हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग तो बहुत जोरदार है यार भाई, क्योंकि एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए जो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, वो सरप्राइज़ बाद में। पर आज का जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, ये मेरा दूसरा व्लॉग है। और आज भी है मेरा एक संगीत इवेंट जो मैं होस्ट करने जा रहा हूँ नेवेद्यम एस्टोरिया नागपुर में। सो जो मज़ा आने वाला है, देखते रहो। इवेंट होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कपड़े क्या पहनने चाहिए। मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ, ब्लैक वाइट ये पागल हो जाता है आदमी, दिमाग नहीं चलता है, पता नहीं आज मैं क्या करना। सो फाइनली फिर एक बार मेकअप करने आया था अरे माए में, और मेरा मेकअप हो गया है। और इनके यहाँ पे ना कल पूजा भी थी शायद संक्रांति की। हेलो मैम, ओह दूसरे का मेकअप कर रहे हैं कि बाबूजी अपना चेहरा मेकअप नहीं कर पाए और चेहरा छुपा रहे हो। दिख गया। मेरे साथ साथ मेकअप ये भी करना। तो मेकअप होने के बाद बबल की बारी। आई एम ऑल सेट रेडी, चलो नैवेद्यम। ओ नैवेद्यम मैं आ गया हूँ, और ये मैंने दबा दी लिफ्ट की बटन, और मुझे जाना जैसे मेरे साथ सफर कर रहे हैं बहुत जोर कर रहे हैं क्या रूपेश भाई, सफर कर रहे हैं। और हम जी मैं और यहाँ का क्या बढ़िया है, बाहर का पूरा नज़ारा दिखने लगता है, अच्छा लगा सुबह सुबह, ओ बढ़िया लगा। तो आज ये गेट खुलेगा फोर्थ फ्लोर पे और हम जाएंगे बाहर, और फिर देखते हैं क्या होता है। उसने मुझे धोखा दे दिया, वो तीसरे फ्लोर पर उतर गया और चौथे फ्लोर पर जाने के लिए मुझे बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। जी हाँ, मुझे संगीत बोल के बुलाया गया था, और जब मैं आता हूँ संगीत देखने के लिए तो ये देखो पूरा सेटअप हल्दी का लगा हुआ है, और मैं सेटअप वेटअप में हूँ, बाकी सब पीले पीले नजर आ रहे हैं। फिर अब मैं क्या करूँ, तो मेरे पास समय है, तो मैं हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर जाके फटाख से नए कपड़े खरीद लेता हूँ और लेके आता हूँ, क्योंकि भाई और लगेगा ना ब्लेजर पे पर हल्दी उसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन चलो शॉपिंग करो। सो ये पसंद आया मुझे, ये मैं आया था देख रहे तो। अब कैसे लगा, अब लग रहा है ना हल्दी वाला यार, पहले बता दे नहीं क्लाइंट लेने में, चलो कोई बात नहीं, चल मस्त करें। सो माफिया से हम लोगों ने अभी शॉपिंग की है, और यह अटायर मुझे माफिया ने दिया है, पर पैसे भी पूरे ही लिए हैं। सो ये हल्दी फंक्शन मोहित और कोमल का, और ये पूरा सेटअप है। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपको, सारे गेस्ट आगे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो दुल्हन वाले, एक बार वो चांस मिल रहा है दुल्हन वाले, दुल्हन वाले, दुल्हन वाले। आज के आज जो बहुत ही लोग खड़े हैं हमारे सामने पर आ जाए, मामा वो शख्स होता है जिसके बिना शादी नहीं हो सकती। तो मामा
अरे ओ मामा मामा हाँ तो मासूम ही चले चलो आ जाओ सभी आ जाओ सबको मजा आना चाहिए ओके तो लड़कियां है ना हमारी लड़कियां कोई छोरों से कम थोड़ी है अपन कर लेंगे लड़के हार गए यार तू अकेला है फाइनली एक इवेंट ख़त्म हुआ और अब मैं निकल रहा हूँ पुणे के लिए पुणे में बहुत बड़ी एक्टिविटी है मेरी उसको मैं दूसरे भी लोगों में बताऊँगा सो थैंक यू सो मच वैसे मुझे काफ़ी मज़ा आया संगीत बोल के बुलाए थे फिर हल्दी सेरेमनी निकली मैं तुरंत गया हूँ कपड़े बदल के तुरंत कपड़े खरीद के कपड़े बदल कर मैंने वो इवेंट किया तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और आपके लिए कैसा रहा ये आप मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइए